अब बच्चा बच्चा पढ़ेगा देशभक्ति, अब बच्चा बच्चा बनेगा कट्टर देशभक्त। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कुछ इस अंदाज में ऐलान किया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा देशभक्ति पाठ्यक्रम। उन्होंने आगे लिखा, देशभक्ति पाठ्यक्रम की 45 मिनट की क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक हर बच्चे के लिए लगेगी। 8वीं तक के बच्चों के लिए ये क्लास रोजाना लगेगी और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए सप्ताह में 2 बार क्लास होगी। दरअसल शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देशभक्ति पाठ्यक्रम लॉन्च किया। देशभक्ति पाठ्यक्रम की घोषणा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बच्चों को कट्टर देशभक्त बनाने के लिए ये पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार के स्कूलों में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा में ये पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूलों में 3 देशभक्ति नोडल शिक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। पाठ्यक्रम को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देशभक्ति पढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है हर व्यक्ति में देशभक्ति जगाना। हमारा ये मानना है कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में देशभक्ति होती है, उसे जगाने की ज़रूरत है और उससे जगा के उसे जागृत रखने की ज़रूरत है। और हमारे इस देशभक्ति पाठ्यक्रम का मकसद भी यही है। अभी तक हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली कुशल इंजीनियर तैयार करती है, कुशल डॉक्टर तैयार करती है, कुशल वकील तैयार करती है, किस्म किस्म के प्रोफेशनल्स तैयार करती है। अभी भी हम कुशल इंजीनियर, कुशल डॉक्टर, कुशल वकील और अलग अलग प्रोफेशनल्स तैयार करेंगे, लेकिन अब वो देशभक्त डॉक्टर होंगे, देशभक्त इंजीनियर होंगे, देशभक्त वकील होंगे। वो 24 घंटे ये नहीं सोचेंगे मुझे पैसा कैसे कमाना है, वो 24 घंटे ये सोचेंगे कि मुझे अपने प्रोफेशन के ज़रिए देश की सेवा कैसे करनी है, मुझे देश के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और देश के लिए, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर हम किसी तरह से, ये हमारा एक प्रयास है, अगर हम किसी भी तरह से ये भावना हर नागरिक के, हर बच्चे के अंदर 24 घंटे पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं, हम सफल होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा देश के प्रति एक बहुत बड़ा काम होगा और देश बहुत दुगनी और चौगनी स्पीड से प्रगति करेगा। दिल्ली सीएम ने बताया कि कैसे देशभक्ति पाठ्यक्रम नर्सरी से 12वीं क्लास के लिए लागू किया जाएगा। जो क्लासेस अभी नहीं खुली हैं, उनके खुलने पर पाठ्यक्रम उन क्लासेस में भी पढ़ाया जाएगा। नर्सरी से 8वीं क्लास तक के छात्रों के लिए हर दिन एक देशभक्ति पीरियड होगा और 9वीं से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए हर सप्ताह में 2 क्लासेस होंगी। हर देशभक्ति पीरियड 5 मिनट के देशभक्ति ध्यान से शुरू होगा, जहां शिक्षक और छात्र माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे। देश, स्वतंत्रता सेनानियों और किन्हीं 5 देशभक्तों का ध्यान करेंगे, उनके प्रति आभार प्रकट करेंगे और उनके सम्मान की शपथ लेंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद दिल्ली द्वारा 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच सभी नोडल शिक्षकों के लिए एक ओरिएंटेशन भी आयोजित करेगी। इन शिक्षकों को करिकुलम लागू करने से पहले अपने अपने ग्रुप के सभी देशभक्त शिक्षकों के लिए एक ओरिएंटेशन सेशन आयोजित करना होगा। इस पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विषयों और अभ्यास के जरिए छात्रों में एक भारतीय होने के गुण से मिलने वाली एकता, गर्व और अपनेपन की भावना को महत्व देना शामिल है। दिल्ली सीएम ने बताया कि हर छात्र देश के इतिहास और संस्कृति का सम्मान करते हुए गर्व के साथ ये कहने में सक्षम होना चाहिए कि मैं एक भारतीय हूँ। देशभक्ति पाठ्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए कुछ बच्चों से एबीपी न्यूज ने बात की, आइए सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ कि ये सर्कुलम हमारे पास आया। हमें ये सारी चीजें पता थी कि हमारे देशभक्ति क्या होती है और वगैरह वगैरह चीजें, पर इन्होंने हमें बिल्कुल डीपली ये फील करवाया कि देशभक्ति हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टली ह्यूमैनिटी से ही जुड़ा हुआ है। हम जो भी चीज़ करते हैं वो हमारे देश को इम्पैक्ट करता है, और अगर ये हर एक यूथ समझने लग जाए तो हमारा देश बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो एक नागरिक के तौर पर आप किस तरह से अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आप किसी बड़े काम के ज़रिए ही अपनी देशभक्ति साबित कर सकते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों में कई मौके आते हैं। यही इन बच्चों को सिखाया जा रहा है सिलेबस के ज़रिए, और दिल्ली सरकार की ओर से ये उम्मीद की जा रही है कि सिलेबस में और सुधार किए जाएंगे। और साथ ही जैसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनकी उम्मीद ये है कि पूरे देश में इस तरह के करिकुलम को लागू किया जाए।
कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।